बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई अगर ऐसा है कि सारी चीजें अगर जो इस्लाम में लिखी हुई हैं सब सही हैं, तो इसकी इतनी सारी इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है? मतलब अगर कुरान के 8, 9, 10 तर्जुमे हैं और फिर सुनने में ये आ रहा है कि भाई इनमें से एक कह रहा है दूसरा गलत है, दूसरा कह रहा है पहला गलत है, फिर अहदीस के अंदर हम चले जाएं तो इतनी ज्यादा उसके अंदर मिसअंडरस्टैंड हुई हुई चीजें, मिसअंडरस्टूड चीजें हैं कि वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, रियलिटी जो होती है 2 + 2 = ऑलवेज 4, तो ऐसा नहीं हो सकता राइट। कि भाई ये चीजें जो है गलत हों। तो भाई निकलो ना फिर, जब इतना सब दिमाग चलता है तुम्हारा तो बचा क्या है। जी भाई मोहम्मद बिलाल साहब, मोमिन है आप? जी भाई साहिल ओके, नमाजें भाई, पढ़ते हैं आपसे सर? बात करके बड़ी खुशी हो रही सेम है। ईयर भाई, सर अभी तो पाबंदी छोड़ी हुई छोड़ दी पाबंदी। है। जी अभी पाबंदी छूटी हुई है थोड़ी। तो भाई पाबंदी छूटना मतलब ईमान से दूरी की निशानी है, जी भाई जी, तो क्यों ये दूरी आ गई? ईमान, ईमान खतरे में क्यों आ गया आपका? भाई असल में बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी सुनी हैं मैंने रिसेंटली हारिस भाई के चैनल पे, आपके चैनल पे मैं देखता रहता हूँ, एडम सीकर भाई का चैनल भी देखता रहता हूँ शॉर्ट्स के लिए, वो ज़रा फनी होता है और अच्छा लगता है, तो इसलिए हाँ कुछ इसलिए जो पाबंदी अभी मेरी छूट गई है। अच्छा, कब से देख रहे हैं चैनल? आपका चैनल तो अभी अगर टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ तकरीबन 1 महीना ही हुआ होगा हार्डली मुझे, लेकिन मैंने ओके हारिस भाई को सबसे पहले देखा ओके। कोई सूरा सुना सकते हैं? दरूदे था। पाक आता है आपको? जी, दुरूद पाक आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करमी व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम या सलाम। ये तो लड्डू लोग का है भाई, लड्डू थे क्या आप पहले? हाँ मैं पहले लड्डू ही था, लड्डू ही था। दूसरा भी सुना सकता हूँ, सूरत भी सुना सकता हूँ, सूरत सुना दूँ मैं आपको। नमाज वाला दरूद सुनाओ ना, ये लड्डू वाला दरूद का सुना रहे, बरेलवियों वाला, जूदी वल करम खुदी वल करम। अच्छा, नमाज वाला सुना। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारक ताला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, तो पूरी तरीके से निकल गए या बाकी है अभी? अभी नहीं, बाकी हूँ मैं अभी, क्यों लेकिन बाकी जो है? मुझे कंफ्यूजन है असल में, मेरी कंफ्यूजन ये है कि मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज रियलिटी, हाँ देखिए, कंफ्यूजन है अभी इसमें मुझे रियलिटी, कि जो है। अरे भाई रियलिटी ढूंढने के लिए ये जरूरी नहीं है ना कि जो गलत है उसको सही समझा जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है, रियलिटी ढूंढने है के ना? लिए ये तो आपको आप बस एक इस्लाम से जीरो से बाहर स्टार्ट। निकल के भी रियलिटी, जो जो भी सो कॉल्ड रियलिटी होती है वो आप बाहर निकल के जी भी इसको तलाश कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, बिल्कुल तलाश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है ये कि ना? पीयर प्रेशर भी होता है ना थोड़ा सोसाइटी का। तो भाई हम कौन सा बोल रहे हैं कि जाके वो जो है वो मोहल्ले में ढोल बजाने के लिए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। पहले आप अंदर से तो निकल जाओ। अंदर से तो समझे कि हाँ तकरीबन ऐसा ही है कि 90% कह सकते हैं कि भाई मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हाँ कि भाई अगर ऐसा है कि सारी चीजें अगर जो इस्लाम में लिखी हुई हैं सब सही हैं, तो इसकी इतनी सारी इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है? मतलब अगर कुरान के 8, 9, 10 तर्जुमे हैं और फिर सुनने में ये आ रहा है कि भाई इनमें से एक कह रहा है दूसरा गलत है, दूसरा कह रहा है पहला गलत है, फिर अहदीस के अंदर हम चले जाएं तो इतनी ज्यादा उसके अंदर मिसअंडरस्टैंड हुई हुई चीजें, मिसअंडरस्टूड चीजें हैं कि वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, रियलिटी जो होती है 2 + 2 = ऑलवेज 4, तो ऐसा नहीं हो राइट। सकता कि भाई ये चीजें जो है गलत हों। तो भाई निकलो ना फिर, जब इतना सब दिमाग चलता है तुम्हारा तो बचा क्या है। हमारे एडम साहब को सोसाइटी इश्क का का पीयर बुखार प्रेशर ही चढ़ गया बचा है, हुआ है, बस इतना ही रह गया। मतलब आप छोड़ दिए अभी, बस वो सोसाइटी को आप नहीं बता रहे, बस खत्म। जी बस, हाँ जी, बस इतना ही है। तो भाई लोग, हमारे प्यारे भाई मोहम्मद बिलाल साहब के लिए जरा गुलाब भेजिए, देखिए आते साथ ही हिट विकेट हो गई है, और मोमिन हजरात जो है इनको एक ईद का तोहफा भी मिल गया है।
और मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुम लोगों ने अपने उलमा को पकड़ के यहाँ पे नहीं लाया तो जिस तरीके से आज मोहम्मद बिलाल और उससे पहले रुखसाना, फरजाना, अब्दुल्ला सब निकलते जा रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से निकलते जाएंगे, तो बेहतर ये है कि आओ और अपने इस्लाम का दिफा करो और अपने उलमा को लेके आओ, उनको घर पे, उनको मस्जिदों में बिठा के मत रखो आप। अच्छा। लोग जी प्यारे भाई, अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था साहिल भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ से अपनी थिंकिंग को जीरो से स्टार्ट लूं, कि जैसे एग्नोस्टिक होते हैं ना, मेरी जो थिंकिंग है, मैं ये सोचता हूँ कि एग्नोस्टिक सोचता होगा कि भाई शायद कोई खुदा होगा, ठीक है, वो चाहे मजहबी खुदा ना हो, 4,200 4,300 रिलीजन है, सबका अपना अपना एक खुदा है, शायद कोई खुदा होगा जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किए, ये सब कुछ बनाया, चांद सूरज पहाड़ सितारे जो हमें बताया जाता है सारी चीजें किसी ने बनाई है, लेकिन अभी तक वो एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो क्या यहाँ से सोचना स्टार्ट किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, क्या यहाँ से सोचना शुरू कर सकते हैं कि हाँ एक खुदा हो सकता है? जी बिल्कुल, आप जो है वो इस स्टार्टिंग पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं कि ठीक है मुझे अभी नहीं पता कौन सा खुदा है, यानी आपको अगर पॉसिबिलिटी ये लगती है कि भाई नहीं खुदा है ही लेकिन अपने को नहीं मालूम है कौन सा है, अगर ये आपको ज्यादा इसके नजदीक है आप, तो जाहिर सी बात है कि यू गो फॉर द न्यू जर्नी, स्टार्ट योर न्यू जर्नी और सर्च करें, मंजिल तलाश करें। जी जी, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो फिर हमें जो है जितने भी स्कॉलर्स होंगे, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स हों, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या जो भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो वो ये कहेंगे कि भाई देखो जब आपने एक सपोज कर लिया है कि एक गॉड है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो जिसने ये सब कुछ बनाया है, तो उसको अल्लाह मानने में या भगवान मानने में या ईश्वर मानने में या जीसस मानने में गलत क्या है? वो यहाँ से हमारे आगे ये आर्गुमेंट रखता है, तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा? नहीं ना भाई, देखो एक एक को आपको जो है ये करना पड़ेगा। अभी इस्लाम का तो आपको पता चल गया है कि इस्लाम वाला अल्लाह खुदा नहीं हो सकता, इस्लाम वाला जो रसूल है, तो इस्लाम वाले को तो आप निपटा सकते हो, है ना, कि भाई मैं तेरे वाले बेगैरत खुदा को मैं तो नहीं मान सकता, तो ये तो खुदा की लिस्ट से मैं निकाल देता हूँ। अब जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं बोलने के लिए, मतलब उनको आप ये बोल सकते हो कि भाई अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर आप वाला भगवान जो है वो मुझे मेरी स्टडी के हिसाब से सही नजर आएगा तो मैं उस भगवान को मान लूंगा। उसी तरीके से अगर कोई क्रिश्चियन आपसे पूछे तो आप उसको भी यही जवाब दे सकते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, जब मेरी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी और मुझे लग जाएगा कि ये आप वाली जो आइडियोलॉजी है या बिलीफ सिस्टम है ये परफेक्ट है, तो मैं उसको मानने लगूंगा। गिव मी टाइम, लेट मी स्टडी। तो इस तरीके से आप मुझे क्या रिकमेंड करें? ठीक है, आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? अब मेरा स्टेप टू क्या होना चाहिए अगर एक एग्नोस्टिक एथियस्ट होने से पूछोगे? मेरे से अगर पूछोगे आप, मेरा मौकफ पूछोगे, तो आई डोंट केयर वेदर गॉड एग्जिस्ट और वेदर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खुदा का जो सहारा है अक्सर उन लोगों को लेना पड़ता है जो यानी मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, यानी मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि उससे भी क्या होता है, बहुत से लोगों को एक सुकून मिलता है, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट, है ना, खुदा के तसव्वुर से बहुत से लोगों को सुकून मिलता है, आई एम नॉट अगेंस्ट, उन्हें एक ऐसी ताकत मिल रही होती है कि भाई मेरे पीछे कोई है। हाँ, है ना, तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक मिल जाती है, तो ठीक है, इसमें आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, फॉर मी इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मुझे, मैं वो उतना कमजोर नहीं हूं कि मुझे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी खुदा की तरफ से चाहिए, बिकॉज माई ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है दुनिया में, खुदा के मानने या नहीं मानने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हम एग्जाम पास नहीं हो जा रहे, कोई एग्जाम फेल नहीं हो जा रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है लाइफ, फॉर मी माई अंडरस्टैंडिंग इज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, मानने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है, नहीं मानने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है, मानने वाले के साथ भी अच्छा हो जाता है,
नहीं मानने वाले के साथ भी अच्छा हो जाता है ना। तो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, बट अगेन दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, और मैं ये किसी पे नहीं थोपता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि खुदा का तसव्वुर हो, यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, आप जाइए पढ़िए देखिए, बट इंश्योर कि अगर आप दूसरी कोई आइडियोलॉजी एक को छोड़ने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी डेड श्योर कि भाई वो एकदम सही हो, मतलब आगे जाके उसको छोड़ना नहीं पड़े। जी ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि अगर इतने पीछे स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस के बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इन अ क्वांटिटी के बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को छोड़कर अगर मैं यहाँ से जो है एक न्यू जीरो से जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि मैं एक ऐसी दोबारा नई आइडियोलॉजी पकड़ लूँ जो आगे जाकर मुझे पता चले यार ये तो फिर गलत है, फिर मैं एक नया तजर्बा करने निकलूँ। तो पहले होना चाहिए, वाकई सही कह रहे है ना प्यारे भाई। तो थैंक यू सो मच बिलाल साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने जो सजेशन मांगा मैंने अपने हिसाब से लिया, आप अपने हिसाब से उसको ले लेना। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। लोग एक झटका हमारे मोमिन हजरात को लग गया है, पहला ही।